दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरी तरह कभी अपने होम कंट्री से निकल के और किसी दूसरी कंट्री में आए होंगे तो आपने जेटलैग नाम का फिनोमेना जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो बेसिकली क्यों जेटलैग होता है और कैसे इसको एक तरह से प्रिवेंट किया सकता है, ठीक किया सकता है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है, यानी कि एक घड़ी होती है जो कि ये डिसाइड कर रही होती है कि बेसिकली हम कब सोएंगे, कब जागेंगे, कब हमें भूख लगेगी वगैरह। और ये अगेन एक तरह से यू नो टू वे प्रोसेस है। हम जब खाते हैं तो उस तरह से हमारी बॉडी सेट होती जाती है, और जब वो हम नहीं खाते हैं तो यही बॉडी की क्लॉक वापस हमें बताती रहती है। तो एक तरह से ये दोनों एक तरह से बैलेंस बना रहता है और ये इस तरह से डिसाइड हो रहा होता है। और भी इसके अलावा जो है यहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर कितना है वो भी एक तरह से यहाँ पे डिसाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आँखों से जो है हम देखते हैं, तो वो जो सनलाइट है, धूप है, हमारी आँखों के अंदर जाती है डे टाइम के अंदर, और बेसिकली बॉडी को एक तरह से हाइपोथैलेमस उसको पर्टिकुलरली ये सिग्नल देती है कि हाँ ये डे है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरी मैकेनिस्टिक लेवल पर बात की थी। और ये जो हाइपोथैलेमस है वो पीनियल ग्लैंड से एक तरह से अटैच होता है, और ये पीनियल ग्लैंड का काम होता है मेलाटोनिन को रिलीज करना। तो बेसिकली जब सनलाइट होती है तो हाइपोथैलेमस नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा होता है पीनियल ग्लैंड को, यानी कि पीनियल ग्लैंड को सिग्नल दे रहा होता है कि मेलाटोनिन कम से कम सिक्रेट किया जाए, क्योंकि जैसे ही मेलाटोनिन सिक्रेट होता है तो हमें नींद सी आने लगती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब वो सनलाइट नहीं होगी, यानी कि रात का टाइम होगा, तो वहाँ पे जो है हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पीनियल ग्लैंड को कि मेलाटोनिन को रिलीज़ किया जाए। और जब मेलाटोनिन रिलीज़ होता है तो हमें फिर स्लीप आने लगती है, हम नींद आने लगती है, हमें ड्राउजीनेस फील होती है। जब हम कुछ टाइम जोन क्रॉस करके कहीं किसी और जगह पे पहुंच जाते हैं तो होता यही है कि वहाँ का सनलाइट का टाइम तो डिफरेंट होता है, ड्यूरेशन तो सर्टेनली डिफरेंट होता है, एट द सेम टाइम कई बार जो है वो एक तरह से टाइम भी कम होता है। यानी कि इंडिया के अंदर अभी जो है एक तरह से हो सकता है वहाँ पे 10 घंटे सनलाइट मिल रही हो, लेकिन मेरे यहाँ पे एक तरह से सन जो है वो सूरज 8 बजे उगता है और 4 बजे जो है अस्त हो जाता है। तो ये जो ड्यूरेशन जो वेरी कर रहा है, जो टाइमिंग जो वेरी कर रही है, इन सब की वजह से कलेक्टिव इफेक्ट ये होता है कि बॉडी का इंटरनल रेगुलेशन बिगड़ जाता है, इंटरनल क्लॉक बिगड़ जाती है फॉर टाइमिंग, फॉर अ वीक और समथिंग लाइक दैट, और वो एक तरह से समझ नहीं पाती है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इसको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। इसके अलावा कुछ और रीज़न ये भी बताए जाते हैं कि जब हम फ्लाइट में होते हैं तो वहाँ का जो केबिन का एयर प्रेशर होता है वो सब भी इसमें रोल प्ले करता है, लेकिन मेजर रोल जो है एक तरह से बॉडी की इंटरनल क्लॉक, और उसमें जो है मेलाटोनिन एक हार्मोन है जिसकी मैंने बात की, उसी का सबसे ज़्यादा रोल होता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसको बेसिकली प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको जो है सिंपली यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जिस भी टाइम जोन में आप जाने वाले हैं, तो अगर आपके लिए कोई मीटिंग बहुत ज़रूरी है कहीं पे पहुँच के या कॉन्फ्रेंस या कुछ भी ऐसा है, तो बेसिकली आप पहले ही इंडिया के अंदर ही या अपनी नेटिव कंट्री के अंदर ही वो आदत डाल लीजिए कि जिससे आपको मतलब उसके टाइम जोन के हिसाब से आदत डाल लीजिए सोने खाने की, तो आपको जेट लैग के इफेक्ट जो है वो कम सीवियर होंगे, आपके लिए इजी टू एडजस्ट होगा। अदरवाइज वहाँ पे अगर आप कुछ दिन पहले पहुँच सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जितना ज़्यादा हो सके बॉडी को एक तरह से सनलाइट जो है उसे एक्सपोज करवाइए, ताकि बॉडी को सिग्नल मिल सके कि हाँ ये सही टाइम है, ये मतलब धूप है, तो अभी इसको हिसाब से चलना है, ना कि जो पिछली कंट्री जिसको छोड़ के आ गए उसके हिसाब से। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अपने आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिए अगर आप जेट के अंदर हैं, आप एयरप्लेन के अंदर हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली कलेक्टिवली हेल्प करती है आपको एक तरह से जेट लैग के इफेक्ट को लेसन करने के लिए। ऑफ कोर्स जीरो तो नहीं होता, लेकिन लेसन करने में ज़रूर हेल्प करता है। बाय द वे, अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो यूजुअली विद इन अ वीक जो है वो वैसे भी जेट लैग चला ही जाता है, और फिर भी नहीं जाता है तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर और वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।